नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शनि जयंती से संबंधित। वैसे तो हर माह में अमावस्या तिथि आती है, परंतु ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ही शनि देव का जन्म हुआ था और इस वर्ष अर्थात 2023 में अमावस्या तिथि मनाई जाएगी 19 मई शुक्रवार के दिन। दोस्तों, इस बार की अमावस्या कई मायनों में अत्यंत विशेष है। सर्वप्रथम इस दिन दर्श अमावस्या है, शनि जयंती है और साथ ही इस दिन वट सावित्री का व्रत किया जाएगा। इस वर्ष अमावस्या तिथि पर कई दुर्लभ शुभ संचयों का निर्माण भी हो रहा है, तो इस तिथि को आप हाथ से न जाने दें। तो अगर आप अपने घर में धन सुख समृद्धि की वृद्धि चाहते हैं, शनि देव को प्रसन्न कर जीवन में चली आ रही परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस बार की शनि अमावस्या अर्थात शनि जयंती के दिन छोटे छोटे उपायों को जरूर अपनाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको शनि अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक देने वाली हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिए। सर्वप्रथम जान लेते हैं कि इस बार शनि जयंती किस दिन मनाई जाएगी, तिथि कब से कब तक रहेगी और इस दिन कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि शनि जयंती मनाई जाती है ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को, और अमावस्या तिथि प्रारंभ होगा 18 मई रात के 9:42 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 19 मई को रात के 9:22 पर। तो उद्याव्यापनी अमावस्या तिथि 19 मई शुक्रवार के दिन होने के कारण इसी दिन शनि जयंती मनाई जाएगी, इसी दिन वट सावित्री का व्रत भी किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, इस बार के शनि जयंती पर कई दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। सर्वप्रथम शनि जयंती पर शोभन योग का निर्माण हो रहा है। शोभन योग 18 मई को शाम के 7:37 पर प्रारंभ होगा और इसका समापन होगा 19 मई को शाम के 6:17 पर। साथ ही शनि जयंती के शुभ अवसर पर चंद्रमा और गुरु एक साथ मेष राशि में विराजमान होने के कारण गज केसरी योग का निर्माण भी कर रहे हैं। साथ ही इस समय शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान होकर शश योग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस बार की शनि जयंती अत्यंत विशेष है और ऐसे शुभ संयोग में स्नान, दान, पूजा, जप और उपाय का विशेष और अत्यंत शीघ्र फल प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस प्रकार से आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पर पवित्र नदी में स्नान करने, दान करने, पितरों के निमित्त तर्पण करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन कभी भी देर तक नहीं सोना चाहिए, सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान करने से पहले पूरे शरीर में थोड़ा सा तिल के तेल से मालिश करें और उसके बाद अपने नहाने के जल में थोड़े से गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। दोस्तों, वैसे तो आप जानते होंगे कि अमावस्या तिथि या पूर्णिमा तिथि हो, इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने घर में ही नहाने के जल में थोड़े से गंगा जल और तिल मिला के स्नान करें। इस प्रकार से स्नान करने से पवित्र नदी में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सबसे पहले जो है इस दिन अगर हो सके तो शनि मंदिर जरूर जाएं, वहां भगवान शनि देव की विधिवत पूजा अर्चना करें। भगवान शनि देव की पूजा में नीले और काले वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। भगवान शनि देव के सामने तिल के तेल या सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, धूप दीप दिखाएं, नीले रंग का पुष्प अर्पित करें। भगवान शनि देव को जो है वो तिल के तेल में बनी हुई मिठाइयाँ, इमरती या काले तिल की मिठाइयाँ अर्पित करें। भगवान शनि देव को जो है खिचड़ी का भोग भी इस दिन लगाया जाता है। इस प्रकार से शनि देव की पूजा करने के पश्चात आप शनि मंत्र का कम से कम 108 बार जप कर सकते हैं और यह शनि मंत्र है, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः। इसका आप कम से कम 108 बार इस दिन जप जरूर करें। दशरथ कृत शनि स्त्रोत का जप कर सकते हैं, शनि चालीसा का जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, इस दिन आप हनुमान चालीसा का भी जाप कर सकते हैं, सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। जो शनि देव हैं वो भगवान शिव को अपने गुरु मानते हैं, तो इस दिन आप महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं।
इस प्रकार से पूजा और जप के पश्चात आप भगवान शनिदेव की, भगवान हनुमान की आरती करें, क्षमा याचना करें। दोस्तों शनिदेव को शमी का पेड़ अत्यंत प्रिय है। इस दिन अगर आप घर में शमी का पेड़ ला के लगाते हैं, उसकी विधिवत पूजा अर्चना करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में पहले से शमी का पेड़ उपलब्ध है तो उसको जल अर्पित करें, उनकी विधिवत पूजा करें, धूप दीप और प्रसाद अर्पित करें और वहीं पर शनि देव की प्रार्थना करें। शनि देव का वास पीपल के पेड़ में भी माना जाता है। अगर संभव हो तो इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पीपल में जल अर्पित करें, वहां पे सरसों के तेल या फिर तिल के तेल का एक दीपक जलाएं, शनि देव की प्रार्थना करें, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। साथ ही शनि अमावस्या के दिन शनि से संबंधित वस्तुओं के दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन शनि से संबंधित वस्तुओं के दान करने से ढैया साढ़े साथी से मुक्ति तो प्राप्त होती ही है, साथ ही जीवन में जो संघर्ष चल रहा है, शनि की वजह से अगर कष्ट प्राप्त हो रहा है तो उससे भी मुक्ति मिलती है। इस दिन आप छाते, जूते, काले रंग के वस्त्र, कंबल गरीबों में वितरित कर सकते हैं। गरीबों को आप उड़द के दाल में बनी हुई खिचड़ी का भोजन कराएं। इस दिन जो है खिचड़ी का तीन प्रकार से प्रयोग अवश्य करें। भगवान शनि देव को खिचड़ी का भोग लगाएं, साथ ही खिचड़ी का दान करें और स्वयं भी भोजन के रूप में खिचड़ी ग्रहण करें। इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। शनि अमावस्या के दिन जो है सत्तू, चने की सत्तू या फिर भूंजे हुए चने, रोस्टेड चने जो कहे जाते हैं, उनका जो है सेवन ज़रूर करना चाहिए। तिल से बनी मिठाइयाँ, काले तिल से बनी मिठाइयाँ ज़रूर खाएं या तिल का सेवन करें, तिल दान करें। और इस दिन जो है साथ ही इस दिन किसी भी प्रकार के मांसाहार, नशे की पदार्थ और तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने व्यवहार को सात्विक रखें। इस दिन भूल से भी किसी का अपमान ना करें। साथ ही ये ध्यान रखें कि इस दिन कोई भी लोहे से बनी चीज़ या लकड़ी की कोई भी चीज़ खरीद करके घर आपको नहीं लाना चाहिए। दोस्तों शनि अमावस्या के दिन आपको छाया दान अवश्य करना चाहिए। ये उपाय आप शनि अमावस्या, शनि जयंती या प्रत्येक शनिवार को भी कर सकते हैं। छाया दान के लिए आप तिल का तेल या सरसों के तेल का उपयोग कर सकते हैं। एक स्टील या लोहे की कटोरी में तिल का तेल या सरसों का तेल ले ले, उसमें अपनी छाया देखते हुए इसको आप किसी गरीब को दान कर दें। ऐसी मान्यता है कि यह दान शनि देव द्वारा दिए जाने वाले कष्टों से निजात दिलाता है। दोस्तों शनि अमावस्या के दिन काली गाय की पूजा करें। अगर संभव हो तो काली गाय को 8 बूंदी के लड्डू खिलाएं, आरती करें, काली गाय की परिक्रमा करें, साथ ही उसके पूंछ से अपने सिर को 8 बार झाड़ें और प्रणाम करें। इस प्रकार से काली गाय के आशीर्वाद प्राप्त करने से शनि की दृष्टि में कमी आती है और परेशानी कम होती है, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। दोस्तों शनि अमावस्या के दिन आप काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिला सकते हैं। ऐसा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और शनि की दृष्टि के कारण प्राप्त हो रहे कष्टों में कमी आती है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।